लियोनार्डो होटल में आ चुके हैं और यहाँ इस होटल की एक दिन की रेंट है 10 से 12 हज़ार रुपये, और सारी गाड़ी मिलेंगी हमें, पोलो GTI, BMW की क्रॉसओवर, और ज़्यादातर सारी BMW की खड़ी, टेस्ला, ये 7 सीरीज़। और होटल के चेक इन होते हैं, जैसे गेट रुका हुआ है, अभी डिटेक्ट करेगा मैं आ रहा हूँ तो ये चल पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, लिफ्ट, और रेंट इस होटल का मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार रुपये पड़ा था मुझे। और जो हमारा रूम है एक दिन का, थर्ड फ्लोर, आपको दिखाते हैं कमरा कैसा है। सो लिफ्ट आ चुकी है, कुछ ऐसी दिखती है, होटल है हमारा, और हम हैं डेन हाग में। सिटी टूर भी देंगे आपको जल्दी, कल बोट टूर आएगा, और लिफ्ट खुली है यहाँ से, वहाँ से नहीं खुली क्योंकि उसके पीछे कुछ है ही नहीं। और होटल हमारा कमरा, पहले तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई, मैं यहाँ पे लॉबी में भटकता रहा, वहाँ गया, बाद में पता चला कि यहाँ पे भी रूम है। रूम एंटर कर गए हम, और कुछ ऐसा है रूम, और मेन हाईलाइट है इसका बाथरूम। और इस द बाथटब, टॉयलेट सीट, और यहाँ पे बाथरूम बहुत ही सुंदर है यहाँ का। और यहाँ आपको सेफ मिल जाएगी, ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कॉफी वगैरह की मशीन है, कॉफी पीनी है। ये फ्रिज, जैसे ही हमने खोला लाइट जल गई, बंद करेंगे बंद। ये अलमीरा जिसमें आपको प्रेस वगैरह मिल जाती है, जो कि काफ़ी गर्म है। और ये होटल, और कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, बाहर का नज़ारा काफ़ी सुंदर जगह है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई कैन से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय होटल रूम। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है, अपने देश की भाषा कोई नहीं जानता, कुछ भी बोलो किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ, नाउ आई एम गोइंग आउटसाइड, लेट्स शो कि क्या होता है बाहर। कार्ड हमने ले ही लिया है अपना, हमारा बंद हो जाएगा, लेट्स गो आउटसाइड। एक 3, 4, 5, 6 फ्लोर का होटल है, और अब हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन बाहर की तरफ। सब होटल के बाहर आ चुके हैं, और अब चलते हैं देखने। तो हमें इस पाथ पे चलना होता है, रोड पे हम चल नहीं सकते, इस पाथ में हमें चलना है, और ये रे पेट्रोल स्टेशन। अभी तो रेड है यानी कोई कार आई नहीं, इली हमें देख के जाना होता है, तो हम क्रॉस कर लेते हैं ताकि आपको पेट्रोल प्राइसेस दिखा सकें। और यहाँ पे आपको खुद ही फ्यूल भरना होता है, जैसे अभी ये लोग निकल रहे हैं गाड़ी में से,
और यहाँ पे तेल है, पता नहीं क्या रेट चल रहा है, भगवान जाने। ओपनिंग कार सी है यहाँ पे। और यहाँ से हम जा सकते हैं, ये ट्रैम आ गई यहाँ की, बहुत महंगी है ये भी। ये रहा हमारा पाथ, रेड वाला साइकिल का है। पहले दोनों तरफ देखना होता है कि कोई साइकिल वगैरह तो नहीं आ रही, फिर क्रॉस करना होता है। अब देखिए सिर्फ रेड सारा साइकिल वगैरह चलाती हैं। ट्रैम आ रही, देख लो भाई, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। और यहाँ बटन लगे हुए हैं, जैसे हम प्रेस कर देंगे वो देखो सामने ग्रीन हो चुका है। सो वी आर गुड टू गो। बड़ा ही तगड़ा चौराहा है। हाँ, इसने डिटेक्ट कर लिया कि हम आ रहे हैं, अब इसने ग्रीन सिग्नल कर दिया। यहाँ पे गाड़ियाँ मिनी कूपर, और जैसे हम एंड वाले होते हैं तो ग्रीन हो जाता है, ये रेड हो गया। अब ये गाड़ी जा सकती है। हमारी डायरेक्शन यहाँ उल्टी होती है, बहुत ही सुंदर शहर है, पोल्यूशन ना के बराबर। ये भी है लीगल टैक्स नोटरी, यहाँ का नोटरी और डिफेंडर खड़ी है भाई। साइकिल जाती है इस रोड पे, और रूल रेगुलेशन इतने जबरदस्त फॉलो होते हैं भाई, पूछो मत। खुशी बड़ी होती है आने की, लेकिन खर्चा इतना ज्यादा है भाई, यूरोप पे खर्चा तो होना ही है। ठंड पूरी है, और सबसे बढ़िया बात हिंदी में बात करो, किसी को घंटा कुछ समझ ना आने वाला। बहुत बढ़िया शहर है भाई, बहुत बढ़िया है। अब टाइम लैप्स बनाते हैं। वैसे भी मैं, और यहाँ पे मुझे लगता है कचहरी है ये यहाँ की, वो देखो तराजू बनी हुई है, यानी ये कोर्ट लग रहा है। और वो है वर्ल्ड फोरम यहाँ का, द हेग का, वर्ल्ड फोरम द हेग। बहुत ही सुंदर जगह है भाई, बहुत ही। और टाइम इस वक्त हो रहा है 8:30, और दिन निकल रहा है बढ़िया, दिन छिप रहा है, निकल भी क्या, अब छिप ही नहीं वाला है। सनसेट होगा 9 बजे के करीब, और हर जगह आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ला भी दिखेंगी। वो देखो ये रही एक टेस्ला, ये आ गई। और लोगों का, पब्लिक का बड़ा ध्यान रखती हैं। और जैसे मुझे रोड क्रॉस करना है, मैं यहाँ बटन दबा दूँगा। और कुत्ते भी घुमाते हैं लोग यहाँ। अब यहाँ से हम चलेंगे सामने नोवोटेल मेट्रो स्टेशन है। ये रेड का भी ग्रीन ही नहीं हुआ, ओ हो गया ग्रीन, वी आर गुड टू गो। और जैसे मैं पास आऊँगा ब्लिंक करता नहीं, ओ ये भी ग्रीन हो गया दबाते ही। तो पूरा ध्यान रखना होता है। साइकिल आ तो नहीं रही, आ गई देखो, नहीं तो मैं टकरा जाता अभी इससे। ये देखो बटन प्रेस करो और जाओ, नहीं तो लंका लग जाएगी। कांग्रेस लिखा हुआ है, नोवोटेल, बड़ी ही प्यारी जगह है भाई।
भाई जानवर भी है यहाँ। और ये टिप्स मैप दिखा दिया, सेंट्रम यहाँ है और वी आर एट वर्ल्ड फोरम इज समवेयर हेयर और सेंट्रम यहाँ है तो वी आर हेयर। बाकी पता नहीं भाई ये कैसा है, जो साइकिल का हुआ है साइकिल रेड हो गया, ग्रीन हो गया हमारा टेस्ला। भाई इतना गजब बनाया हुआ है ना। और ये रहा हमारा भारत का झंडा, ये रहा हमारे भारत का झंडा है। अपना देश यार प्यारा तो सबसे बढ़िया है खाने पीने में, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला खाने पीने को, बस ये गाड़ियाँ देख लो, घूम लो, सड़क यहाँ का माहौल इंजॉय कर लो। पॉपुलेशन इतनी है नहीं, बड़ा शहर है इसलिए गाड़ियाँ भी दिख रही हैं, नहीं तो कोई नहीं आता 9 बजे बाद सुनसान। बस यही दिखाना चाहता था यहाँ का वो। अब कहीं और जाएंगे तो रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये तो मेरी पोर्शे भाई, आपको यहाँ से एक बढ़िया गाड़ी दिख जाएंगी। ट्रक देखो कितने बढ़िया हैं। पार्किर गैराज भी जुनांदी वेता, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये गैराज है, यहाँ पार्किंग एरिया यहाँ का, और अच्छा खासा वो है महंगा है। तुम यहाँ से तो जा ही सकते हैं। चलो भैया, जय राम जी की। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली रेडी हो गए हैं होटल चेकआउट के लिए। वो कुछ ऐसा है बाहर का दिन में। बाय होटल। The Gupta. Well, thank you very much. I Welcome. Hope you enjoyed your stay. Yes. होटल से हमने चेकआउट कर लिया है और हम रूम जा रहे हैं बोट राइड के लिए, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा लगेगा कम से कम। तो चलिए ट्रेन में चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रेन का एंट्री और एग्ज़िट होता है एक ओवी चिप कार्ड से, जो कि हम किसी भी स्टेशन के नीचे से ले सकते हैं मात्र 8 यूरो में, और उसके अंदर हमें मिनिमम 10 यूरो रखने, यानी 15-20 यूरो में हमें मिल जाएगा वो। चलिए चलते हैं, एंट्री भी दिखाएंगे और एग्ज़िट भी दिखाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं ट्रेन आ चुकी है, और एक मेट्रो की तरह हमें इस ट्रेन के जैसे एंटर करेंगे तो डोर के यहाँ पे हमें एंट्री के लिए पंच करना होगा कार्ड को, और जैसे हम पंच करेंगे इन आ जाएगा, और अगर आप पंच नहीं करोगे और टिकट चेक कर आ जाएगा तो आपको 50 यूरो के करीब फाइन लगेगा।
देन हक सिटी सेंटर, मेन जो सिटी सेंटर है वो यही है। यहाँ पे बोट राइड वगैरह कर सकते हो। वहाँ तो क्लाउडी वेदर है लेकिन दिन में बड़ा अच्छा वेदर होता है यहाँ पे। और मेन सिटी सेंटर की यही जगह है और आगे आएंगी शॉप्स वगैरह, यहाँ पे आपको सारी ट्रेन देखने को मिलेगी। A few hours later. You'll have above bridges like this, but sometimes it will be like this. So you have to bend. Or when you are very fearful, you can lay down. But a bit bending is enough. Secondly, if you like the water, especially with nice weather to the wind, it's a lot. The boat doesn't sink. So then you go to take your seat with you. It has some buoyance. Then you can swim. In the canals you can roll. Yes, and the terrain comes to last to pick you up. Yes. I will tell from time to time a lot about the egg, because I think most of you are new in the egg. Yes, so I will tell some things. And if you have a question, please ask. Let me say, De Hik is a village. It has never had city rights. And it was founded in the year 1230 by the Earl of Holland.
इसी के साथ हमारा बोट टूर ख़त्म हो गया, जो कि करीबन एक घंटे का था ये बोट टूर। थोड़ा बोरिंग होने लग गया था, लेकिन चलो सही है। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।